छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बालोद जिले के डोंडी थाने में दर्ज किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बालोद जिले के घुटिया गांव में एक शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइडल नोट भी मिला था, जिसमें पूर्व मंत्री समेत अन्य लोगों के नाम थे। मामले पर डोंडी थाने में बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले मृतक प्रधान पाठक देवेंद्र कुमार ठाकुर ने आत्महत्या करने से पहले डोंडी थाने में आवेदन भी दिया था कि गरियाबंद जिले के मदार उर्फ सलीम खान को नौकरी लगाने के नाम पर पैसे दिए थे। वही देवेंद्र कुमार के आत्महत्या मामले में मिले सुसाइडल नोट को पुलिस ने सार्वजनिक किया है। प्रधान पाठक देवेंद्र ने सुसाइडल नोट में पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर, हीरेंद्र नेताम, सलीम खान, प्रदीप ठाकुर पर नौकरी के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी एडिशनल एसपी अशोक जोशी ने दी। 3 तारीख को जो है देवेंद्र ठाकुर नाम के एक शिक्षक ने आत्महत्या किया था। उस आत्महत्या में उसका शव पंचनामा कार्रवाई करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। उस समय उसके जेब से एक सुसाइडल नोट मिला था। उस सुसाइडल नोट में जो है कुछ लोगों के नाम थे, जिसमें से एक नाम हरेंद्र नेताम का था, एक प्रदीप ठाकुर का था, एक मदार खान और सलीम खान का था, और एक जो है पूर्व वन मंत्री का नाम था उसमें मोहम्मद अकबर करके। तो इन चारों के विरुद्ध में जो है 108 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना डोंडी में, और उसकी विवेचना की जा रही है।